दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। शिमला में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप राठौर व विधायक विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, ये इस तरीके से दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं कि आप लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री जिस तरीके का दुरुपयोग इन्होंने किया है और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में जो भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको दबाने का भरसक प्रयास सरकार कर रही है, तो उसके खिलाफ एक प्रदर्शन करना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये हमारा कर्तव्य। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।